नमस्ते है जी। आज सभी रेकी हीलर्स को मैं सूर्य को जल चढ़ाना सिखाऊंगा। सूर्य को जल चढ़ाना किसी धर्म का हिस्सा ना माने, आप किसी भी धर्म के हो, सूर्य को जल चढ़ाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और एक रेकी हीलर की लाइफ में, एक रेकी हीलर के जीवन में सूर्य को जल चढ़ाने से कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों ऐसा है, सूर्य एक जागृत देवता है, मतलब जिस मदर नेचर की हम पूजा करते हैं, जिस ब्रह्मांड की हम पूजा करते हैं, जिस ब्रह्मांड को हम मानते हैं, जिससे हम मांगते हैं, सूर्य देवता साक्षात है। मतलब कि एक बार सोच के देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच के देखिए कि अगर सूर्य देवता ना हो, जीवन की कल्पना हो सकती है? सूर्य देवता एक लौते ऐसे दिखने वाले प्रकृति का स्वरूप है जो हमें सीधे जीवन दे रहे हैं, पौधों के उगने से लेकर के हमारे सेहतमंद रहने तक, हमारे सो के सुबह उठने तक का कारण सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उन्हें मान दे रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। कि सूर्य देवता को जब हम जल चढ़ाते हैं तो इस तांबे या कांसे के बर्तन से जब पानी सूर्य देवता को चढ़ता है, वो छन के जो प्रकाश हमें मिलता है, उसके क्या फ़ायदे हैं अभी हम समझेंगे, समझना। लेकिन पहले जल चढ़ा देते हैं क्योंकि सूर्य देवता 30 डिग्री से ऊपर जाने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए, सूर्य उदय होने के बाद 30 डिग्री का कोण बनते तक का ही आपके पास परफेक्ट समय है, क्योंकि उसी समय जब आप जल चढ़ाते हो तो आपको असली फ़ायदा मिलता है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को और आपके ऑरा को, और आपका ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। एक रेकी हीलर में जब शक्ति तभी आती है किसी को हील करने की, जब वो अपने आप को इस तरह से सक्षम बनाता है। दूसरा एक और कारण कि इससे आपकी दिनचर्या सध जाती है। सूर्योदय के साथ उठने वाला इंसान हमेशा सधी हुई दिनचर्या का एक साक्षात उदाहरण होता है। तो चलिए सबसे पहले जल चढ़ाते हैं क्योंकि लेट ना हो जाए। जल चढ़ाने के बाद एक प्रार्थना मैं बोलता हूँ, उस प्रार्थना को आप गौर से सुनिएगा, वो प्रार्थना आपके हमेशा काम आएगी। ये प्रार्थना हमें हमारे बौद्ध गुरुओं ने सिखाया था जब मैं बौद्ध भिक्षु की ज़िंदगी जी रहा था, ठीक है। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। हे सूर्य नारायण, उत्तम सुखों की कामना है हमें, सारे शुभ हमारे अंतर में वास करें, आपके प्रकाश से हमें सही रास्ता मिले प्रभु, आपके तेज से मोजस्वी और तेजस्वी बने, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो प्रभु, और हमारे सभी कर्मों से सबका भला हो। हे परमपिता परमात्मा, हे इस जग को चलाने वाले, हे हमें खाना पानी रोटी देने वाले, हे मालिक, हे हमें सेहतमंद बनाने वाले प्रभु, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना, अपने जैसी ही शक्ति हमें देना। जिस तरह से आप बिना मांगे संसार को सब कुछ दे रहे हैं, बिना मांगे, बिना बताए, बिना समझाए, कुछ भी बिना कहे आप हमें जिस तरह से दे रहे हैं, वैसे ही धैर्य हमें भी देना प्रभु, ताकि हम भी आपकी तरह धैर्यवान रहकर सबको अपनी प्रकाश से जीवन प्रदान कर पाए। हे मेरे मालिक, मैं एक रेकी हीलर हूँ, मेरे हाथों में ऐसी ऊर्जा भरना कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, संसार की मदद कर सकूँ, जीव जंतुओं की मदद कर सकूँ। परमपिता परमात्मा शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और ऐसा कहकर इस पानी को, क्योंकि आपने ये प्रार्थना करी है तो इस पानी में वो शक्ति आ चुकी है आपकी प्रार्थना की। इस पर भी एक पूरा साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं कभी किसी और वीडियो पे बताऊंगा। और इस पानी को अपने ऊपर छिड़क लेंगे और उस पानी को इस पूरे संसार में छिड़क लेंगे। अगर आपका घर है तो अपने घर पर छिड़क लेंगे, जहाँ पर भी, और ये जो बचा हुआ पानी है उसे किसी भी पौधे में इस तरह से डाल देंगे, और इस तरह से आपका भगवान सूर्य देवता को आप धन्यवाद करते हो और एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना करते हो, और रोज़ रोज़ ये प्रार्थना करते रहने से ये प्रार्थना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती है और आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका चरित्र वैसा होने लग जाता है। पानी पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, वाटर हीलिंग टेक्निक,
और द पावर ऑफ वाटर, इस नाम की एक बुक भी लिखी गई है। जापान के एक साइंटिस्ट ने इस पर पूरा रिसर्च बताया है कि कैसे पानी आपकी भावनाओं को अपने अंदर समा लेते हैं, कैसे पानी आपकी किसी भी भावना को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो चाहे कितनी बुरी हो, उसको अपने ऊपर धारण करते हैं। तो पानी में रहकर हाथ में रख के जो मैंने प्रार्थना की थी, वो उस प्रार्थना को पानी ने अपने आप में धारण किया और उसको मैंने अपने ऊपर आचमन किया, छिड़क लिया। तो ये था एक रेकी हीलर को जो भगवान सूर्य की एक प्रार्थना करनी होती है रोज़ सुबह। कभी मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा मिस ना हो। सूर्योदय से पहले उठने के हज़ारों फ़ायदे हैं जो हम सबको पता है। घास में खाली पर चलने के भी हज़ारों फायदे हैं। आप माता प्रकृति से सीधा जुड़ पाते हैं जब आप घास पर चलते हैं खाली पैर। तो सिर्फ एक रेकी हीलर होने के नाते नहीं, आपको एक आम इंसान होने के नाते भी ये सारे रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए कि आप मदर नेचर से जुड़ने के लिए मदर नेचर के पास जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अग्नि स्नान किया, भगवान सूर्यदेव की रोशनी ली अपने ऊपर। यहाँ पे मैंने वायु स्नान किया, खुली वायु है। अच्छा हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि जल चढ़ाने के लिए आपको ऐसे किसी खुले वातावरण में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर, अपने तुलसी पेड़ के सामने, अपने छत में जाकर भी ये कर सकते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, और दूसरा वीडियो में समझाते हुए भी आपको अच्छे से बन जाए, इसलिए मेरे साथ मेरे कैमरा मैन है, इसलिए ये हो गया। अक्सर मैं अपने घर पर ही जल चढ़ाता हूँ या कभी कभी यहाँ आके चढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे वायु स्नान करने भी मिलता है। सिर्फ वायु स्नान करने मात्र से आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है। तो एक सदी भी दिनचर्या का पालन करने के लिए एक रेकी हीलर को हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और जल्दी उठ करके नहा धो करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए और इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वो, मतलब कि आप हीलिंग पावर से भर सके और आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो, ये मौसम, ये जगह और रेकी हीलिंग से जुड़ी इस कुछ गहरी बातों को आप अच्छे से समझाओगे। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के इस रिचुअल को आपने एंजॉय भी किया होगा। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे ऐसे ही कुछ अच्छी बातों को सीखते हुए। तब तक के लिए नमस्ते अजी।